कैंडिडेट है जो आप जो है कि वो चला गया, जो मेरा आरजेडी का केडर है, कार्यकर्ता जो सिपाही सच्चा सिपाही है, वह सच्चा सिपाही बन करके काम कर रहे हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। आप देखा होगा बीजेपी के लोग जितने भी हैं सब जुमला पार्टी है, जुमला बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूँ दिव्यांशु। आरजेडी की पूर्णिया की प्रत्याशी बीमा भारती ने पूर्णिया में हुए आरजेडी की टूट पर बड़ा बयान दिया है। बीते दिन धीरेंद्र यादव, जो कि पूर्णिया के आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ करीब 100 कार्यकर्ताओं ने लालू की पार्टी का दामन छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि वो आने वाले चुनाव में पप्पू यादव का समर्थन करेंगे। इससे पहले आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पप्पू यादव का समर्थन किया था और उन्होंने ऐलान किया था कि पप्पू यादव का ही वो समर्थन करेंगे, आरजेडी उन्होंने छोड़ दी थी। तो आरजेडी को पूर्णिया में झटके पर झटके लग रहे हैं और ये झटके दे रहे हैं उन्हें पप्पू यादव। ऐसे में बीमा भारती से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो बीमा भारती ने बड़ा बयान दिया। बीमा भारती ने कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं वो कार्यकर्ता हैं ही नहीं, आरजेडी के वो कार्यकर्ता हैं ही नहीं, जो हमारे असली सिपाही हैं, जो हमारे असली कार्यकर्ता हैं, वो अभी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। क्या कुछ कहा है बीमा भारती ने, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है जनता और मतदाता सभी हमारे जो है कि सजग हो चुका है, काम मत देना है, सही जगह पर देना है, महागठबंधन में देना है। और जो पार्टी में था ही नहीं तो उसका चर्चा क्या करना, जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ भी पार्टी में क्या आया और गया, जाना और जाना जो है कि अभी के है समय में जो इतना ही रहता उसको क्या तकलीफ हो गया था, जो चुनाव के वक्त में इधर से उधर कर रहे हैं तो पहले से था ही नहीं पार्टी, इसीलिए से हुआ है। देवेंद्र यादव जी तो पहले से भी दूसरे पार्टी में थे, वो सबको सम्मान मिल रहा है और सब हमारे साथ है, सब महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता है सबको सम्मान दिया जा रहा है, सभी ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्षेत्र में, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करने में लगे हुए हैं। मैडम आप बार बार कह रहे हैं कि सभी का साथ हमारे साथ है, लेकिन साथ कोई नहीं छूटता दिख रहा है। देखिए, जो डुप्लीकेट है जो है कि वो चला गया, जो मेरा आरजेडी का केडर है, कार्यकर्ता जो सिपाही सच्चा सिपाही है, वह सच्चा सिपाही बन करके काम कर रहे हैं। आज जो है देसी यादव का कार्यक्रम है, क्या आपको लग रहा है देसी यादव के आने से क्या है? जब हमारे नेता है, हमारे नेता प्रचार में आ रहे हैं तो जरूर एकदम से माहौल बन रहा है। हमारे नेता का कार्यक्रम है जानकी नगर में, सभी लोग भारी भीड़ वहाँ पर उमड़ेंगे, सबको बहुत ज्यादा भीड़ होगा। अक्सर आप चुनाव के दरमियान लोगों से मिलते हैं तो चर्चा करते हैं, जो है आपने घोषणा पत्र का चर्चा करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हमारे नेता ने किया है। चुनाव जो है, चुनाव का जो घोषणा पत्र, वह हमारे नेता ने जो घोषणा पत्र जारी किया है कोई झूठा बात नहीं है। हमारे सरकार केंद्र में बनेंगे महागठबंधन का, तो सभी जमीन पर काम आपको देखने के लिए मिलेगा, ना कि बीजेपी के तरह जुमला बाजी नहीं करते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री भी ने कहा था यहाँ का सीमांचल का जो एयरपोर्ट है वह चालू किया जाएगा, ये गोत अमित शाह तो चालू करवा दी, हवाई यहाँ चालू हो गया। तो इस तरह का जुमला बाजी जो है ना बीजेपी की तरह हमारे नेता ने जुमला बाजी नहीं करते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। आप देखा होगा चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि 10 लाख युवा को नौकरी देंगे, लेकिन जब सरकार में 17 महीना ही मिला मौका, 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। मैडम आप कह रहे हैं कि आपके जो नेतृत्व करता है उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है और महागठबंधन की सरकार जब बनती है तो उसका असर पड़ता है, अगर नहीं बनती तब मैनिफेस्टो करता और जनता के बीच में आप भी वादा कर रहे हैं, आपके जो बिल्कुल बिल्कुल हमारे जो नेता जो कर रहे हैं तो पूरे देश में लहर है। इस बार आप जो है एक बार ठकिएगा, 10 बार नहीं ठक सकते हैं किसी को, एक बार कह सकते हैं, 2 बार कह सकते हैं, 10 साल हम नहीं ठक सकते हैं। 10 साल आपको जनता ने मौका दिया है तो सभी पूरे देश का जनता जग चुका है, बिहार का जनता जग चुका है, इसका जवाब आपको मिलेगा और देखने के लिए मिलेगा 4 तारीख को। और भारी बहुमत से जो है कि सरकार अपनी बनेंगे और केंद्र में मजबूती के साथ काम होगा। आपके मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी बात है कि बिजली बिल्कुल बिजली मुक्त
जो हमारे नेता ने जारी किया है वह एकदम होगा। हमारे जो महिला है रक्षाबंधन पर, जो गरीब महिला है उसको हमारे भाई ने रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया का घोषणा किया, सभी को देने का काम करेंगे। हमारे जो घोषणा पत्र में है सारे चीज जो नौकरी का है, अग्निवीर वाला है, अग्निवीर में जो 4 साल का दिया है उसको परमानेंट करने का काम करेंगे, 1 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। तो सारे उसमें घोषणा पत्र में बहुत है वहाँ पर दिया हुआ, सभी पर जमीन पर उतरेगा आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई बहाना हमारे नेता जो कहते हैं वही करते हैं, वो लोग भले जुमला बाजी है, बीजेपी के लोग जितने भी हैं सब जुमला पार्टी है, जुमला बात करते हैं। तो आपने सुना आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को। अब चलिए पूर्णिया के रण को अच्छी तरह से समझते हैं। पूर्णिया में जो लड़ाई है त्रिकोणीय है। एनडीए के तरफ से संतोष कुशवाहा को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है, निवर्तमान सांसद हैं और इस बार भी उन्हें जदयू ने टिकट दिया है। तो एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा, वहीं महागठबंधन की तरफ से लालू यादव ने बीमा भारती को उतारा है। जी हाँ, महागठबंधन में यह सीट जो है वो आरजेडी के पाले में गई और आरजेडी ने वहाँ पर जदयू को झटका देकर आई बीमा भारती को कैंडिडेट बना दिया। पप्पू यादव की बात चल रही थी, इसी बीच पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल भी हुए, उन्होंने अपनी पार्टी जापका कांग्रेस में विलय भी कराया। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस को पूर्णिया की सीट मिलेगी और कांग्रेस प्रत्याशी उन्हें बनाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो पप्पू यादव निर्दलीय ही लड़ रहे हैं और उन्होंने निर्दलीय ही नामांकन कर दिया। तो पप्पू यादव के पूर्णिया में प्रत्याशी बनने से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो आरजेडी और बीमा भारती को हुआ है। और आप बीमा भारती के चेहरे को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे उनका चेहरा उतरा हुआ है और मुंह लटका हुआ है। बीमा भारती को बड़ा नुकसान हो रहा है पप्पू यादव के प्रत्याशी बनने से और ये दिख भी रहा है। जो वहाँ पर पब्लिक जनता का मिजाज है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि आरजेडी के कोर वोटर्स जो यादव और मुसलमान हैं वो बट गए हैं। यादव बड़ी संख्या में पप्पू यादव के साथ हो लिए हैं, वहीं मुस्लिम मतदाता भी पप्पू यादव के साथ ही नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा झटका बीमा भारती को लगता हुआ नज़र आ रहा है और पप्पू यादव के प्रत्याशी बनने से ऐसा लग रहा है कि संतोष कुशवाहा का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन अब चुनाव है और राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरे चरण के लिए जोर पकड़ लिया है सभी ने और तेजस्वी यादव इसी क्रम में आज पूर्णिया भी पहुंचे थे बीमा भारती के प्रचार के लिए। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी थे। तो अब पूरी ताकत लगा रहे हैं क्योंकि अगले चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। ये 5 सीट हैं, बिहार की बात कर रहा हूँ, 5 सीट हैं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और एक बांका की सीट है। तो इन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा दूसरे चरण में, जिसके लिए प्रचार जोर पकड़ लिया है और अब सारे प्रत्याशी ताकत झोंकने में लग गए हैं। बीमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। बीमा भारती के बयान से आप कितना सहमत हैं और पूर्णिया की लड़ाई कौन जीत रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। ताजातरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज़।